हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज, जनता की बात जनता के साथ। उज्जैन प्रजापति ग्राम चमरा जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। हम घर में नहीं रहे, हमारे परिवार के साथ है, हम बाहर रहे, सीधी हम काम करते रहे। वहाँ से यहाँ तो देखे भाई, हमारे घर में फोन लगाए हमारे भाई और माता राम, कहे बोला कि तुम आ जाओ घर। हम आए घर में देखे तो हम क्या देखे, हमारे घर में ऐसे ऐसे बात हो गए, बताओ फांसी लगा के झूल गए हमारे में मिसेज। हम अब बताओ, तीन लड़का हमारे पीछे है, हम उसको कहाँ से जिया है, खबर कहाँ पहरा है, और उसको हम रिपोर्टो भी कर रहे हैं, हमारा नकल दे रहे हैं मैडम जी, ना हमको कौन सुनवाई हो रहा है हमारा, तो हम कहाँ जाएं, हमारा कहाँ से प्राण बांचे, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं साहब। मेरा नाम संदीप कुमार प्रजापति है, मैं ग्राम चमरा का निवासी हूँ। ये घटना ऐसा है साहब कि 3 बजे भोर का समय था, तो मम्मी का पेट दर्द कर रहा था, तो गई थी बाहर, बाहर से रिटर्न आई तो भाभी और अंजनी लाल प्रजापति तटवा के अंदर बैठे थे, अंजनी लाल बैठा था भाभी पीछे। इसके बाद जब मम्मी उसको बोली कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो फिर उसके बाद वो मम्मी को धक्का देके जैसे फिर मेरे को बुलाई, मम्मी अंदर मैं सो रहा था, मम्मी मेरे को बुलाई कि जल्दी दौड़, तो फिर वो आदने में मम्मी कमाए धोस के भाग दी, वो कहा हमको दूर तक रख दो बहन, लेकिन पायन नहीं। फिर ये कौन है आपके अंजनी लाल जिनका नाम बता रहे हैं? बुआ का लड़का है, तो उसका घर वहाँ है, 1 किलोमीटर दूर है। वो उनके क्या लगते थे जिनके साथ वो बैठे थे? वो देवर है भाभी का हमारे, तो यहीं रहता है वैसे, मतलब नानी नाना के यहाँ, तो घर तो वहाँ पर है, रहता है वैसे 1 किलोमीटर दूर है उसका घर। तो फिर इसके बाद वो कब की घटना है? ये 16 तारीख की है। फिर इसके बाद मम्मी को जब मेरे को जगाई तो फिर भागा जा, फिर वहाँ से जब उसको खदेड़ के रिटर्न आया, बोली कि मतलब फोन लगा दो भाई के पास, भाई मेरा नहीं था वहाँ, था अपने ससुराल से, वहाँ सीधी काम कर रहा था, तो हमको बोली कि फोन लगाओ, तो मैं फोन लगाया भाई के पास कि भैया कि तुम्हारे घर में वो आया था ऐसा ऐसा है ना, तो बताया उनको फोन लगा के कि तुम आ जाओ घर अपने, ठीक ना। तो फिर इनको मैं बोला ऐसे, फिर मम्मी को दे दिया फोन कि मतलब तुम भी बता दो भाई, मेरे को भाई झूठ बोलते हो कि क्या बोल रहा है ऐसा है ना, तो मम्मी को मैं दे दिया फोन कि तुम भी बता दो कि मतलब ऐसा ऐसा बात हुआ तुम्हारे घर में, कल तुम सुबह आ जाओ घर हैं और समझा दो, नहीं तो ले जाओ अपने साथ में अपने बीवी बच्चों को। फिर इसके बाद हम लोग कुछ नहीं किए, गाली गलौज जो लोग कर रहे थे उसकी मम्मी लोग लड़के के, और इसके बाद हम लोग बैठे थे अपने घर के पास। फिर सुबह मतलब जब हुआ तो लड़के मतलब भाभी के लड़के जो हैं छोटे छोटे, मनीष नाम है और उनकी बहन थी, उनको भेज दिए डोरी बिनने सुबह। इसके बाद वो घर का काम कर रही थी, फिर इसके बाद मैं पानी लेने चला गया, फिर उधर से जब लौटा तो फिर वो लड़के भी आ गए उधर से, देखे तो मतलब दरवाज़ा बंद था, तो ये लोग खटखटा रही थी, तो ये बच्ची सो रही थी अंदर, जब सो रही थी अंदर तो फिर मतलब ये सोची होगी कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा था। फिर इसके बाद खोली तब देखे तो क्या देखे, उधर लटकी थी भाभी फांसी लगा,